आप खरीदना चाहते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर, आपके पास चॉइसेस तो कई सारे हैं, नाम काफी सारे एस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी हैं मार्केट में, पर इस साल उस लिस्ट में एक नया नाम शामिल हुआ एथर रिज़्टा का, और ये स्कूटर फैमिली के लिए ही बनी है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और एंट्रेंट आ गया है पिक्चर में जो थोड़ा अंडर द रेडार रह गया। मैं बात कर रहा हूँ एम्पियर नेक्सस की। ग्रीव्स के मोबिलिटी डिवीजन ने भी कहा है कि हम भी किसी से कम नहीं है और हम भी एक फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर बना सकते हैं। तो सवाल यह है कि इन दोनों में से आपको कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर चुननी चाहिए। मेरा नाम है अमान अहमद, आप देख रहे हैं कार एंड बाइक हिंदी, और हम आपको बताएंगे कैसी हैं ये दोनों स्कूटर्स और इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर ऑप्शन कौन सा है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी मुलाकातें होती रहेंगी और हम आप तक सारी नई गाड़ियां, सारी नई मोटरसाइकिल्स, सारी नई ईवीज जल्द से जल्द ला पाएंगे, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलिए। अब चलिए बैठ के देखते हैं क्या है इन दोनों स्कूटर्स की खासियत। अब दोनों ठहरी फैमिली स्कूटर्स, तो डिजाइन एंड स्टाइलिंग के मामले में ज्यादा रेडिकल अप्रोच तो नहीं ले सकते। दोनों ही दिखने में स्मार्ट हैं पर सबड्यूड भी हैं। जैसा आप देख सकते हैं एम्पियर की नेक्सस जो है वो एम्पियर के पुराने प्रोडक्ट्स के मुकाबले और आकर्षक दिखती है। जो पहले के प्रोडक्ट्स थे एम्पियर के वो इतने अट्रैक्टिव नहीं मालूम होते थे डिजाइन के मामले में। रिज़्टा एथर के लिए एक कंप्लीट डिपार्चर है 450 सीरीज से, क्योंकि 450 जो है वो एजी मालूम होती है, यूथफुल स्पोर्टी लगती है। ये थोड़ी और राउंडेड, न्यूट्रल और बैलेंस्ड सी लगती है, क्योंकि इसे फैमिलीज को अट्रैक्ट करना है। जो नेक्सस का ये कलर है मुझे काफी पसंद आया, रिफ्रेशिंग मालूम होता है, लेकिन एथर रिज़्टा में आपको डुअल टोन ऑप्शंस देता है जिससे जो विजुअल मोनोटोनी है वो थोड़ी ब्रेक हो जाती है। दोनों ही स्कूटर्स में काफी सारे एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग क्यूज हैं। दोनों स्कूटर्स में आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं। दोनों ही स्कूटर्स 12 इंच के व्हील्स पे चलते हैं। मुझे देखने में दोनों स्कूटर्स में से रिज़्टा ज्यादा बड़ी मालूम होती है, इवन दो नेक्सस का व्हील बेस रिज़्टा के व्हील बेस से ज्यादा बड़ा है और ग्राउंड क्लियरेंस भी नेक्सस का थोड़ा ज्यादा है। मुझे पर्सनली रिज़्टा ज्यादा पसंद आई लुक के मामले में, पर आपको इन दोनों स्कूटर्स में से कौन सी ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अब चलिए बैठ के देखते हैं कैसी हैं ये दोनों स्कूटर्स। अब परिवार की बात है तो कंफर्ट तो प्रायोरिटी बनानी ही पड़ेगी। दोनों ही स्कूटर्स में फैमिली के लिए एक्सेस इंप्रूव करने की कोशिश की गई है। नेक्सस की जो सीट हाइट है वो रिज़्टा के मुकाबले कम है। इसकी सीट हाइट है 765 मिलीमीटर, रिज़्टा की सीट हाइट 780 मिलीमीटर है। बट ये फर्क ज्यादा लोगों को नहीं पता चलेगा, उन्हीं को पता चलेगा जिनका कद थोड़ा छोटा है। दोनों ही स्कूटर्स में आप पैर नीचे आराम से जमा पाएंगे, पर मैं बात करना चाहूंगा सीट की, क्योंकि दोनों ही स्कूटर्स में कंफर्ट पे ध्यान रखा गया है। लेकिन रिज़्टा की जो सीट है वो नेक्सस के मुकाबले काफी बड़ी है। इसकी लंबाई 900 मिलीमीटर की है और चौड़ाई भी काफी है, तो इस पे राइडर, पिलियन और उनका सामान बड़े ही आराम से अकोमोडेट हो जाता है। नेक्सस पे उतनी आसानी से नहीं हो पाता, और रिज़्टा पे आपको एक पिलियन बैकरेस्ट भी मिलता है जो नेक्सस पे उपलब्ध नहीं है। बात कर लेते हैं कंट्रोल्स की, अर्गोनॉमिक्स की। आप राइडिंग पोजीशन तो अपराइट ही लेते हैं दोनों स्कूटर्स पे, काफी रेगुलर सी पोजीशन है, लेकिन जो कंट्रोल्स हैं वो रिज़्टा पे ज्यादा आसानी से आप रीच कर पाएंगे। कन्वेंशनल पोजीशन है सारे कंट्रोल्स की। नेक्सस में बटन्स जो हैं उन्हें थोड़ा प्रीमियम लुक दिया गया है, बट ऑपरेशन में वो बहुत अच्छे फील नहीं होते, थोड़े वेग मालूम होते हैं, कभी कभी फॉल्स ट्रिगर्स भी आपको एक्सपीरियंस करने मिलेंगे। और ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है, जो मटेरियल्स की क्वालिटी है, वो रिज़्टा में नेक्सस के मुकाबले बेहतर जरूर है। एक फीचर जो रिज़्टा से मिसिंग है वो है एक टच स्क्रीन, जो आपको नेक्सस पे मिलता है। नेक्सस का 7 इंच का TFT डिस्प्ले नीट और इजीली रीडेबल है, और वही बात रिज़्टा के नॉन टच डिस्प्ले के बारे में भी कही जा सकती है। लेकिन टच फंक्शनैलिटी का कन्वीनियंस ऑफर करने के बावजूद नेक्सस का डिस्प्ले उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है और फीचर्स भी लिमिटेड है। रिज़्टा जब प्रो पैक के साथ ली जाए तो नेक्सस से कई ज्यादा फीचर्स ऑफर करती है, और भले ही इसे जॉयस्टिक से यूज करना उतना आसान ना लगे, इसके स्विचेस ऑपरेशन में नेक्सस के स्विचेस के मुकाबले काफी ज्यादा रिफाइंड और मैच्योर फील होते हैं। दोनों स्कूटर्स में रिवर्स मोड एंगेज करने का तरीका भी अलग है। रिज़्टा में राइट क्यूब पर एक बार स्विच दबाते ही हल्का थ्रॉटल इनपुट देने पर स्कूटर आराम से आगे या पीछे मूव की जा सकती है। नेक्सस में आपको रिवर्स स्विच को दबा के रखना पड़ता है और फिर थ्रॉटल घुमाना पड़ता है, जो कभी कभी इरिटेटिंग हो सकता है, स्पेशली रिज़्टा के रिवर्स मोड को एक्सपीरियंस करने के बाद। प्रैक्टिकलिटी के मामले में रिज़्टा नेक्सस से साफ साफ आगे निकल जाती है। नेक्सस में आप देख सकते हैं अंडर सीट स्टोरेज डिसेंट है, बट हमने दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में इससे ज्यादा अंडर सीट स्टोरेज स्पेस देखी है।
आगे की तरफ स्कूटर में एक फ्रंट स्टोरेज कंपार्टमेंट जरूर है, बट उसका साइज बहुत बड़ा नहीं है, वहाँ आप छोटे आइटम्स ही रख पाएंगे। और नेक्सस पे एक ही बैग हुक दिया है। उसके मुकाबले आप रिस्टा पे नजर डालें तो रिस्टा में फ्रंट स्टोरेज कंपार्टमेंट नहीं है, बट दो बैग हुक दिए हैं, एक आगे की तरफ और एक ठीक सीट के नीचे। और आपको फ्रंट स्टोरेज कंपार्टमेंट की जरूरत भी नहीं लगेगी क्योंकि रिस्टा का अंडर सीट स्टोरेज काफी बड़ा है, 34 लीटर का स्पेस है, पार्टीशन भी बना हुआ है। तो अगर आपके पास गाड़ी साफ करने का कपड़ा है या कोई और छोटी चीज है तो उसे आप आगे के सेक्शन में रख सकते हैं, और जो आपका शॉपिंग का सामान है उसे आप मेन एरिया में रख सकते हैं, यहाँ पे जगह काफी है। और यहाँ पे एक वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी है एथर के हेलो हेलमेट के लिए, जिसके बारे में आप जान सकते हैं ये पॉप आउट बैनर पे क्लिक करके। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, और प्रैक्टिकलिटी के लिए एथर आपको एक्सेसरीज भी ऑफर कर रहा है। इसमें आप एक ट्रंक ऑर्गेनाइजर ले सकते हैं जो एक बैग है मेन अंडर सीट स्टोरेज के लिए, और आगे की तरफ एक फ्रंक भी लगा सकते हैं, एक बैग है वो, जिससे आपकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी हो जाती है 56 लीटर की। ये ऑप्शंस नेक्सस पे उपलब्ध है ही नहीं। कागज पे देखा जाए तो दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पावर आउटपुट के मामले में काफी क्लोजली मैच्ड हैं, लेकिन रोड पर दोनों स्कूटर्स की परफॉर्मेंस में काफी फर्क है। नेक्सस में 3 राइड मोड्स हैं और इको मोड में ये स्कूटर सिटी ट्रैफिक से काफी आसानी से निपट लेती है, लेकिन इस मोड में टॉप स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित है और खुले रास्तों पे इस मोड में आप स्ट्रगल करेंगे। और तेज जाने के लिए सिटी या पावर मोड चूज कर सकते हैं, जिसमें नेक्सस का पूरा पोटेंशियल अनलॉक होता है और उसकी टॉप स्पीड हो जाती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। लेकिन हायर मोड्स में रेंज काफी तेजी से गिरने लगती है। हमारे टेस्ट स्कूटर पे रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी नहीं था, जिसकी वजह से नेक्सस की रेंज कंसिस्टेंटली कम रही और इसे कहाँ चार्ज करना है ये भी साफ नहीं था। तो ज्यादा करके मैंने इस स्कूटर को इको मोड में ही चलाया और रेंज बचाने के लिए इसे आराम से चलाया, फिर भी रेंज हमें इस पे सिर्फ 75 किलोमीटर की ही मिल पाई। रिस्टा में जिप मोड में स्पीड लिमिट नहीं है, इसलिए हैवी ट्रैफिक से लेके हाईवेज तक रिस्टा ज्यादा ऑर्गेनिक और नेचुरल फील करती है। चाहे लो स्पीड्स हो या हाई स्पीड्स, रिस्टा काफी कंफर्टेबल फील करती है और रिस्टा इतनी क्विक नहीं है। एथर के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रिस्टा का एक्सेलरेशन जेंटल है, लेकिन कभी भी पावर की कमी महसूस नहीं होगी। प्रो पैक के साथ आता है स्मार्ट इको राइड मोड, जिसमें पावर डिलीवरी मॉड्यूलेट होती है ताकि आप प्रॉमिस्ड रेंज अचीव कर सके। रिस्टा जेड जो 3.7 किलोवाट आवर की बड़ी बैटरी के साथ आती है, रियल वर्ल्ड यूज में आराम से 100 किलोमीटर से ज्यादा कवर करती है। 2.9 किलोवाट आवर वाला वर्जन जो है, जो हमने रिस्टा की मीडिया राइड पे टेस्ट किया था, उसकी रेंज नेक्सस के करीब होगी। लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा रेंज चाहते हैं, उनके लिए रिस्टा में बड़ी बैटरी का ऑप्शन है जो नेक्सस में आपको नहीं मिलेगा। नेक्सस हाई स्पीड पर काफी स्टेबल मालूम होती है, लेकिन रिस्टा भी एक कॉन्फिडेंस और सॉलिडिटी के साथ चलती है। रिस्टा काफी एजाइल है और कॉर्नर्स भी कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करती है और टूटी सड़कों पर भी कंपोज रहती है। अंड्यूलेशंस हो, इम्परफेक्शंस हो, इन सभी को रिस्टा नेक्सस से बेहतर हैंडल करती है। नेक्सस की राइड क्वालिटी हार्ड है और रिस्टा उसके मुकाबले ज्यादा कंफर्टेबल मालूम होती है, जो आप दोनों स्कूटर्स को लंबे समय तक राइड करने के बाद अप्रिशिएट करेंगे। दोनों स्कूटर्स में ब्रेकिंग पावर सफिशिएंट है क्योंकि दोनों में ही आपको एक फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलता है। नेक्सस के साथ एम्पियर फिर एक बार भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर बायर के लिए रेलेवेंट बनना चाहता है और मुझे लगता है उस मकसद में कंपनी किसी हद तक कामयाब भी होगी, क्योंकि नेक्सस एक डिसेंट पैकेज है, लेकिन ये आज भी कंपटीशन के मुकाबले कुछ कदम पीछे है, स्पेशली जब आप इसे एथर रिस्टा से कंपेयर करें। रिस्टा हर मामले में काफी वेल राउंडेड और मच्योर मालूम होती है, भले ही हम परफॉर्मेंस की बात करें, राइड एंड हैंडलिंग की बात करें या इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करें, ये हर मामले में नेक्सस एसटी को पीछे छोड़ देती है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि रिस्टा के लिए आपको और कीमत चुकानी होगी, क्योंकि इन दोनों की कीमतों में 46,000 रुपए तक का फर्क है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये रिस्टा जेड है 3.7 किलोवाट आवर वर्जन, इसमें प्रो पैक भी एनेबल्ड है, तो इसकी कीमत एक शोरूम है 1,66,000 रुपीज और नेक्सस एसटी की इंट्रोडक्टरी कीमत अभी है 1,20,000 रुपीज। इंट्रोडक्टरी ऑफर एंड होने के बाद इसकी कीमत 10,000 रुपए से बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रीमियम है रिस्टा जेड 3.7 और नेक्सस एसटी के बीच, वो 25,000 का है अगर आप प्रो पैक को कंसिडर ना करें, और मुझे लगता है वो कीमत वर्थ है
चुकाने के लिए, क्योंकि रिस्टा जस्ट हर मामले में ज्यादा कोहिसिव फील होती है। और सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे मानने में यह है कि एथर के साथ आपको पब्लिक चार्जिंग का भरोसा मिलता है। एम्पियर के पास कोई पब्लिक फास्ट चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है और एम्पियर का डीलर नेटवर्क भी काफी छोटा है, तो अगर आप कोई लंबे सफर पे निकलेंगे तो आप शायद फंस जाएं नेक्सस एसटी को लेके, और एक 3-पिन सॉकेट ढूंढने में आपको भी उतनी ही दिक्कत हो सकती है जितनी हमें हुई जब हम इसे चला रहे थे। तो हमारा वर्डिक्ट ये है कि इन दोनों के बीच अगर आपको एक स्कूटर पिक करना हो तो रिस्टा एक वाइज चॉइस होगी। आपको कैसी लगती हैं ये दोनों स्कूटर्स हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको इनके कोई फीचर्स खास पसंद आए या अगर आप कोई बदलाव देखना चाहते हैं इन स्कूटर्स के फीचर्स में, इनकी प्राइसिंग में, तो हमें वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप किसी को जानते हैं जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हो तो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें।